सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतुमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा बहुत कम सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी हैं। इनकी उपासना मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाकर सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वाले लोगों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। विधि विधान और सच्चे मन से माँ की आराधना करने से कुछ ही समय में साधक को उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। देवी कूष्मांडा का स्वरूप मंद मंद मुस्कुराहट वाला है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, तब देवी भगवती के इसी स्वरूप ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सृष्टि की रचना की थी। इसीलिए यही सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति हैं। देवी कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में माना गया है। वहां निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल देवी के इसी स्वरूप में है। माँ के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दीप्यमान है। देवी कूष्मांडा के इस दिन का रंग हरा है। माँ के सात हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। वहीं आठवें हाथ में जप माला है, जिसे सभी सिद्धियों और निधियां को देने वाली माना गया है। माता का वाहन सिंह है। अगर पूजन विधि की बात करें तो सबसे पहले माँ कूष्मांडा की मूर्ति अथवा तस्वीर को चौकी पर दुर्गा यंत्र के साथ स्थापित करें। इस यंत्र के नीचे चौकी पर पीला वस्त्र अवश्य बिछाएं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मना कामना गुटिका यंत्र के साथ रखें। दीप प्रज्वलित करें और हाथ में पीले फूल लेकर माँ कूष्मांडा का ध्यान करें। माता का ध्यान मंत्र है, वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घकृत शेख राम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनी। भगवती कूष्मांडा के ध्यान मंत्र का जाप करने से अनाहत चक्र जागृत हो जाता है, जिससे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। इस दिन जहां तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही और हलवा खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके बाद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए। इससे माता जी प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। माता को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। माँ कूष्मांडा की कृपा पाने के लिए सामान्य श्रद्धालुओं को चौथे दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तत्सय 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 नमो नमः।